तो ये नोट करें, एक बॉल है और मोमेंटम mv से बॉल आई, mv से चली गई, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। वेलोसिटी में चेंज ना आने का मतलब ये समझें कि इलास्टिक कोलिजन है, एक इलास्टिक कोलिजन है, ठीक। जब बॉल इसके साथ दीवार पे लगी तो टाइम कितने समय के लिए लगी, 0.1 सेकंड इसको कोलिजन करने में लगा। आपको बताना है एवरेज फोर्स की वैल्यू इसमें कितनी है जो बॉल ने दीवार पे लगाई। ये क्वेश्चन हमने फोर्स में किया हुआ है, मैं फिर से करवा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करने का तरीका वही रहेगा सेम। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इनिशियल मोमेंटम का वेक्टर आगे तक ले जाएं। ये आपका इनिशियल मोमेंटम है एम वी, ये एम वी है, ये 30 डिग्री है। तो इसमें इनिशियल मोमेंटम के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, इनिशियल मोमेंटम के दो कॉम्पोनेंट्स हैं। एक कॉम्पोनेंट है एम वी इंटू साइन 30 और एक कॉम्पोनेंट है एम वी इंटू कॉस ऑफ 30, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम्स हैं, राइट। और अगर फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं तो फाइनल मोमेंटम के कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करते हैं, ये फाइनल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम में एम वी कॉस ऑफ 30 और ये एम वी साइन ऑफ 30 ऐसे, ठीक है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? बिल्कुल वैसे ही है जैसे इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D का डायग्राम था, सेम डायग्राम है, चेक कर लो, जो हमने इन इलास्टिक कोलिजन रेस्टिट्यूशन वाला लास्ट टाइम किया था वही सेम चीज है। पर इस बार मुझे कोई कोलिजन नहीं करनी इसमें, मेरे को तो फोर्स निकालनी है। अब फोर्स एक्स एक्सिस में अलग निकलेगी, फोर्स वाई एक्सिस में अलग निकलेगी। एक्स एक्सिस की एवरेज फोर्स होगी टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम, और वाई एक्सिस की टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम, ऐसे होगी। दो फोर्सेस निकलेंगी, एक एक्स में निकलेगी और एक वाई में निकलेगी। वाई में बोलो कितनी फोर्स निकलेगी, हाँ वाई में कितनी निकलेगी, कितने लोग बोलते हैं जीरो होगी, कितने लोग बोलते हैं नॉन जीरो होगी, चेक करें। वाई एक्सिस कहां पर आई, रहा फोर्स के अंदर किया था। फाइनल मोमेंटम कितना है, एम वी कॉस 30। इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम वी कॉस 30। तो फिर ठीक तो है ना, अपॉन टाइम आंसर जीरो है। आपके सामने ही है, इसमें डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हुई। ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया जीरो। अच्छा चलो, ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे सही। मैंने आपको कोलिजन करवाई थी इन इलास्टिक 2D में, क्या सिखाया था, दीवार के साथ, दीवार के अलोंग मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या होता है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, डेल्टा पी जीरो, ऑब्वियसली फोर जीरो। जब मोमेंटम चेंज ही नहीं होता, मोमेंटम कांस्टेंट होता है, मैं बोल रहा हूं मोमेंटम कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, तो फोर जीरो आएगी। तो यानी कि कोलिजन इन 2D, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D और ये क्वेश्चन कैसे आपस में रिलेटेड है समझ में आ रहा है। हम ऐसा क्यों करते थे, जीरो क्यों बोलते थे, क्योंकि वॉल के अलॉन्ग मोमेंटम कॉन्स्टेंट है, टक्कर से पहले टक्कर के बाद भी। अब एक्स एक्सिस का मोमेंटम तो आएगा, एक्स में क्या होगा, फाइनल मोमेंटम एम वी साइन 30 माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम है माइनस एम वी माइनस ऑफ माइनस एम वी साइन 30, डायरेक्शन चेंज है क्योंकि ये आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है, और अगर यही क्वेश्चन कोलिजन का होता तो फाइनल मोमेंटम इज ई टाइम इनिशियल मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं तभी तो इसमें फोर्स आ रही है, और तभी तो इसमें फोर्स नहीं आ रही, तो कोलिजन के साथ कैसे रिलेट करना समझ में आ रहा है। बहुत बहुत छोटी सी और बारीक सी चीज़ है जो ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प चाहिए इसको देखने के लिए कि कैसे मोमेंटम सेम किया और कब सेम नहीं किया। तो इसे समझ में आ रहा है कि रेस्टिट्यूशन के केस में हम यहां पे रेस्टिट्यूशन क्यों लगाते थे और यहां पे क्यों नहीं लगाते, क्योंकि यहां पर मोमेंटम कांस्टेंट और फोर्स जीरो होती है, ठीक है यहां तक।